दरअसल आर्नर ने शायद ट्वीट किया है कोई, तो वो उस बर्गर के बारे में बात कर रहे थे। मैंने इसे कहा कि यार मैंने सुना तो पहले भी है मामू बर्गर का, मैं आया नहीं हूँ, तो आज चलते हैं। ही वॉज इन द फेवर ऑफ मामू बर्गर और वन राइस चेन, तो मैंने मेरे लिए इट इज़ न्यू कि मामू बर्गर क्या है, तो ये मेरे दोस्त हैं तो इनसे मैंने कहा कि आ चलें ये मामू बर्गर को हम टेस्ट करते हैं। स्पेशल जो है ना, सबसे स्पेशल चिकन चीज़ है, बीफ चीज़ है, जिंगर चीज़ है, अंडा शामी चीज़ है, उससे नीचे चिकन बर्गर आता है, बीफ बर्गर आता है, जिंगर आता है। रेसिपी ये है कि जब बर्गर तैयार होता है, जब उस पर शामी डलती है, हमारी जो शामी है वो बीफ की और दाल की है, और काफ़ी इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, मसाले हमारे 6-7 मसाले मिक्स करके हम लोग डालते हैं उसमें, दैट्स वाई ये ज़्यादा स्पेशल है। हर कस्टमर रिकमेंड करता है और इन्जॉय करते हैं हमारे बर्गर को। बड़े अच्छे आदमी थे और उन्होंने अपनी मेहनत से ये बनाया, पहले ये साथ ही बेकरी थी, उसके आगे वो काम करते थे और फिर अल्लाह ताला ने इनको बरकत दी और फिर इन्होंने, ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था ये बंद हो गया और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे मामू बर्गर शुरू किया। उधर इनके अंदर भांजे थे, इनकी बेकरी थी, तो उन्होंने अपना वहाँ पर ठिया लगा लिया इनके नाम से, इसलिए वहाँ से इनका नाम मशहूर हो गया मामू बर्गर। मामू ने हमें सिखाया यहाँ पे काम, हम काम कर रहे हैं तो मतलब शुरू से हम ऐसे ही बर्गर बनाते हैं स्पीड में। ये बर्गर में जो देसी पाकिस्तानी फूड का जो टच है ना, तो ये पिंडी में मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ कि किसी में ये चीज़ मिली हो। अदरवाइज KFC मैकडोनल्ड्स वगैरह उनमें वो टच नज़र नहीं आता, जो पाकिस्तानियत नज़र आती है ना वो शायद उनमें नज़र नहीं आती। पर ट्रेडिशनल है, इकोनॉमिकल है, बच्चे वगैरह पसंद कर लेते हैं, लोग पसंद कर लेते हैं और क्विक है। रसल अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप फर्स्ट जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो डू विज़िट, बहुत अच्छी जगह है, आपको इंशाल्लाह एक डिफरेंट टेस्ट फील होगा।